Sunday is the match. January 14th August 2010. 4th August 2010. General wise. Ah.
या हमारी टीचिंग के अंदर
हमको ये पता नहीं आया है जो चीजें कुरान से ज्ञान से फरमान से हदीसों से और ऐतिहासिक चीजों से हमको शिक्षण को देने में आता है कि भाई तुम जमात खाने आओगे तुम दुआ करोगे तुम खिदमतें करोगे तुम मौला को प्यार करोगे तो तुमको कभी कोई मुश्किलें नहीं आएगी कोई तकलीफ नहीं आएगी और आएगी ना तो हजर इमाम के तुम मुरीद हो जो हजर इमाम आगे नबी औला के अभी है अजी नूर के इलाही नूर का मरकज है केंद्र है मजार है वो इलाही नूर आपकी मुश्किलें को छू करके निगाह कर दे हमको ऐसी जानी मिलती है मिली है या तो एक सवाल और करेंगे क्या एक शर्त से हम मौला को चाहते हैं खिदमत करते हैं मौला के पीछे पैसे खर्च करते हैं हमारे ऊपर कुछ आगे नहीं है बाबा तो कहीं खिदमत करना नहीं है अनकंडीशनल हम सब करते हैं ठीक है और फरमानों के अंदर कुरान के अंदर हमको जो मैं सुधा मुशा सलाम वाले के फरमान अभी नहीं देता हूँ लेकिन हम हजरत इमाम के फरमान की बात करें कि मौलाना हजरत इमाम ने 57 से लेके आज दिन तक हमको ऐसी तालीम दी है कि देखो ये दुनिया है ये दुनिया इसके पहले मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ जो वर्षों पहले शायद मैं नांदेड़ में बता गया हूँ बोला सरकार सुधा कमिशन सरवर वाले को एक जर्नलिस्ट सवाल कर रहा है सवाल क्या किया कि जो है आप आले रसूल हैं और है तारीख में है तो सुल्तान शाह अपना एक एग्जाम्पल देंगे एक किसान थे तो कहता है कि योर हाइनेस हजरत ईसा तो सुल्तान शाह कहते ईसा क्या करते थे बोले ईसा मैंने ऐसा सुना है पढ़ा है कि मुर्दे को मर जाए उसके पास ले गया है तो उसको हाथ लगा भी तो मुर्दा जिंदा हो जाए हजरत ईसा का लकब है ईसा मुर्दा यानी हजरत ईसा रूह उठने वाले मुर्दे के अंदर रूह उठने वाले सरकार सुल्तान शाह बड़ा अच्छा रखा सुल्तान शाह बड़ा के अच्छा मुझे ये बताओ हजरत ईसा ने जितने लोगों को जिंदा किया वो सब कहाँ गए वो कहते हैं वो मर गए सुल्तान शाह फरमाते हैं जिसको जिंदा किया तो वापस मर के तो ऐसा जिंदा करना क्या तो सरकार फरमाते हैं कि देखो पैगंबर और इमामों के जो मोजीजे होते हैं ना वो इस किस्म के मोजीजे नहीं करते वो चाकू करते हैं और कई मतलब हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे निरंतर दिखाने पड़े दुश्मन और युवान के अंदर लेकिन काचूरी की बात क्या तुम पता है कि वो पानी उनको भी दिखता था और इसको भी दिखता था जैसे मिसाल के तौर पर शाहपुर कामर चांद के दो टुकड़े दुश्मन के दिन के वहां मुस्कानता है लेकिन चांद को तोड़ के दिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उम्मीद किया और ऐसा करे फरमाया सर और किसी को नहीं दिखता उनको वो तो भी नहीं मानते तो हुजूर ने ऐसे इलाही कुवत बताई थी वो कहते हैं एक और मुझे बताया बोले क्या बोले खजूरी का दरख्त है ना पूरे तरफ वो हीरे चांदी सोने पत्ते सब सोने के रियल डायमंड जैसा बना है तो हुजूर सर ने हाथ मिला के दुआ मांगी तो हुजूर आप चाह रहे सब हो गए देखा और दूसरे जो मूवीज
करे तो उसको नहीं दिखता, तुम को दिखता तो क्या कहते बताते, बड़ा अच्छा था इसका नाम करवाते रसूल, हमने जिसके सीने के मोहर बांधी है ना उसको तो कभी सुना नहीं। सुल्तान फरमाते हैं देखो पैगंबरों के इमामों के ज्यादातर मौजूदे इस किस्म के थे और हम भी ऐसा मौजूदा करते थे कि इंसान के जसम के अंदर जो अल्लाह के बंदे जो मेरे दूरी भी है उनके अंदर जो रूह है ना वो रूह दुनिया के मटेरियल जिसम से भौतिक वाद से मुर्दे के जैसे हो जाती है। तो हम अपने कलाम से उसकी रूह के अंदर जान ढूंढते हैं और उनकी रूह को हम सीधा और अल्लाह ने अपने कलाम से बंदों को हमेशा उसकी रूहों को जिंदा रखा है। इमाम और पैगंबर के मौजूदे के पीछे उदाहरण छात्र हम हमारे उम्मीदों के लिए इस किस्म के कहा इमाम में कोई ताकत नहीं है, कई ऐसी चीजें बनती है बनी, लेकिन हमको ऐसी तालीम नहीं दी कि हर मोमेंट के ऊपर के जमात खाने आए और तुम्हारे घर पे छोड़ी हुई तो एक गिर कर पूछो लो दादा खोल न सके कबाट खोल न सके ठीक है उसके पीछे रीजन है या तो वास्ते अफसर से वो चीज के ऊपर सरकार ने फरमाया इस तरीके से तो मौलाना हाजर इमाम शाफी यूथ बैंक जो है सब पूरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर रखने आया था बंदी नैरोबी के अंदर दरखाना अभी तो दरखाना काट देंगे पहले वो पुराना दरखाना अभी वो जमा खाना है और स्टूडेंट बनने की मुलाकात टोटल यंगस्टर्स है स्कूल में पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले और जिसको इन्विटेशन दिया था वो जमात के मेंबर और मौलाना हाजिमाम उनको बहुत सारी हिदायत देते हैं एजुकेशन के बारे में दूसरे बारे में हजरत इमाम ये फरमाए मौलाना फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बच्चों आप सब जवान हो आप सब जवान हो और आपके सामने लंबी जिंदगी पड़ी बुरी लंबी कोई जिंदगी पड़ी है मेरे प्यारे रूहानी बच्चों एक बात याद रखना कि आप बदलती हुई दुनिया में रहोगे 62 आज 2010 कितनी दुनिया बदलगी आप बदलती हुई दुनिया में रहोगे और आप लोगों को तकलीफ और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। देखो कैसा तैयार करते हैं अभी तो बच्चे दुनिया में बाहर पड़े नहीं है लेकिन उनकी रूह को हजरत इमाम प्रिपेयर कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं आपको तकलीफ और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब अपनी जिंदगी में कामयाब हो उन्नति के लिए बड़ा सफल रहो आप में से कईयों को मुश्किलों का तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा लेकिन मेरे प्यारे रूहानी बच्चों एक बात मेरे ध्यान में रखें अगर आपके जमात खाने की हाजिरी के अंदर आपकी इबादत के अंदर आपकी तस्वीरों के अंदर आप पाबंद रहोगे तो अपने ईमान को तुम संभाल के रख सको अपने अकीदे को तुम संभाल के रख सकोगे और जो मुश्किलियां जो प्रॉब्लम आएंगे उसकी परवाह किए बगैर उसकी परवाह किए बगैर अगर हमने जो तुम्हें बताया है तुम्हारी स्पिरिचुअल ड्यूटी उसमें बराबर रहोगे तो ये तकलीफ ये मुश्किलियां तुम्हारे सामने तुमको तुच्छ लगेगी और तुमको जो सुख मिलेगा जो सुकून मिलेगा उसके अंदर से वो तुम्हारे पास से कोई दे नहीं सकेगा। हम चाहते हैं मेरा एक एक रूहानी बच्चा खसूसन मेरे जो जवान रूहानी बच्चे हैं मेरे इस परवान को याद रखे बहुत खानावदान सर्वान सभी लगा।
पत्नी और बाबा ने एक जमाना ऐसा था, एक टाइम ऐसा था, एक ऐसा नहीं कि हम लोग देव की मानते लेकिन अज्ञान का बहुत थी, अज्ञान का बहुत। और मैं नौकरी के साथ कहता चलूं कि आज एजुकेटेड लोगों ने वो अज्ञानता नहीं थी, लेकिन दूसरे तरीके अज्ञानता क्या थी कि मेहमान जी ने अब सौराष्ट्र कच्छ के अंदर जमा कर दी, महाराष्ट्र में तो बात नहीं आए, आंध्र में तो बात नहीं आए, पहले सब अपन सौराष्ट्र कर ली, तो सुल्तान पूछा वहां आवे तो मेहमान यहाँ मौलाना सुल्तान का मेहमान में आवे और एक परमान के अंदर मिल गए थे शायद हमारा बच्चा रुपये को रुपये से हाथ दे दिया थोड़े, यानी ईमान को कौन सी दृष्टि से देखने में आता था, उनका कसूर नहीं था, माहौल कैसा था कि जैसे कोई वो छूछा करने वाला मौकी हुए या वो साधु बाबा हुए जैसा पढ़ के नहीं कुछ देते हुए और पेट के हाथ मिला दे, इस दृष्टि से वो मुर्शिद को देखने लगे। ये मुर्शिद आप तो ईमान छे हैं, हाँ आपके कसूर है, बच्चा का पेट पर हाथ फिर भी दे, ऐसे कितने केस बने। तब सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि देखो ईमान को मुर्शिद को दुनिया का डॉक्टर नहीं बना, हम तुम्हारे रूह के डॉक्टर हैं और तुम्हारी रूह की हम दवा देते हैं और तुम्हारी रूहों की बीमारियां हम दूर करने को आए। दुनिया की बीमारी के लिए दुनिया के डॉक्टर के पास जाओ, हाँ सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया अगर ऐसी कोई बात हो तो हमारे पास फर्जी दर्शन थे, मना नहीं है, ठीक है, मना नहीं। एक स्टेज के ऊपर कहीं बहुत वायरल हो गई वो परमानी स्पीच से गई थी, मुझे लगता है मेरे चरण से आवाज नहीं की है, मॉड्यूल में भी आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्पीच जो है आदर ईमान की नॉट वो इस्माइल के लिए थी, नॉट इस्माइल के लिए न्यूयॉर्क के अंदर 1986 के अंदर और आदमी नाम करीब करीब 45 ईयर्स की स्पीच थी, लेकिन उसके अंदर एक बात आई काबिल है गौर करने के काबिल कि हमेशा उसको अपनी स्मृति के अंदर ध्यान रखो इसी चीजों में सीखने को का प्रमाण, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया है, ठीक बड़ा प्रमाण है हमारे ख्याल के अंदर। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जिंदगी में कोई उलझन प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए, ये मानना गलत। आई थिंक इट वुड बी फुलिश टू थिंक टू बिलीव दैट देयर आर नो प्रॉब्लम। जिंदगी प्रॉब्लम उलझनों से ही बनती है, जिंदगी प्रॉब्लम उलझनों से ही बनती है। जो लोग ये समझते हैं कि जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल या प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, वो लोग गलत सोचते हैं। नॉर्स वाली लेते उनको भी मैसेज देते हैं, ये आदिमान फरमाते हैं कि आखिरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में हर एक को कुछ न कुछ मुश्किली और प्रॉब्लम रहते ही है। और हमारी एक फर्ज है कि दैट वी शुड सिंपली एक्सेप्ट कि हम इसको आसानी से उठा ले, सिंपली से उठा ले, ये ही जिंदगी है और तुम्हारी जिंदगी हिम्मत के साथ तो हो जाएगी। कितना अच्छा मिशन, कितना अच्छा मिशन, देखिए हमको इतना पता के छोड़ नहीं किया, ऐसी दादी जी के छोड़ दी, लेकिन अभी भी जो बात के ऊपर आता हमको हथियार दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली फिर कहता हूँ कि मामी के साथ कहता था अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ नॉलेज करो या लापरवाही करो या आँख आधा कान करो कि हम बहुत इजीली देते हैं। गाड़ी के ऊपर आए हैं तब से लेकर के आज तक इंडोरी गोल्डन जुबली के फरमान के अंदर हर जगह के जो फरमान आ गए हैं आज हमने ये हथियार की बात की। कभी निराश से बैठ के सोचते हैं कि क्यों
जितना जवान के साथ जितना हाजिमा कुर्सी क्यों बार 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 करूँ, क्यों हाजिर ईमान फरमाया ताकि केंद्र मीडिया के अंदर और नाम भी फरमाया कि मेरी तुम्हारी कंधे के ऊपर हाथ रखता, मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ रखता। जब कुरान हजरत की मां अली नबी के उनके मर्दर से अपने मन द्वारा से बढ़ाते हैं कि मैं मेरे एक तुम्हारी बच्चों के कंधे के ऊपर हाथ रखता हूँ, यानी हाथ रखने का मकसद बहुत होता है। हाथ रखने का एक मकसद ये होता है कि अगर तुम्हारी बच्चा ये प्रॉब्लम की वजह से, ये मुश्किल की वजह से, तकलीफ की वजह से गिर जाए तो बोला हाथ रखना ये भी मन है। You need to seek enlightenment in the issue that
सभी प्यारे सभी दसवीं गुरु स्मरण करो स्वीकार करो तुम्हारा धर्म ना अमल करवाई तुम्हारी रोजनी जिंदगी ईश्वर बनाओ एने दस नगर से कोई इंग्लिश कर
उस कारण की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है और ब्रिटिश का टाइम था ये बस वगैरह भी सगुण भी थी पुलिस से आना जाना करना पड़ता था तो एक राजकुमार यहाँ एकदम जगह है पूरे यहाँ देखा कक्षा भी बारे आती बेरोज मानी रहता तो नगर स्टेट का और वो आदमी का किसान का बातचीत हो रही थी और उसने नाम काम लिखा है सब सौराष्ट्र की बात है उसी दिन उसी लिए का नाम लिखा है नगर स्टेट का नाम लिखा है नगर स्टेट पूछता है क्या रोशो सामने काम कर रहे हो बोले हाँ शो काम कर रहे हो तो एक खेती से खेलू जो मैंने खाने की जमीन से मानी पास है अच्छा मैंने आज पानी खाई से सारू खाई से तो क्या गया वर्ष वर्षा न तो दे दुकान न तो दे तो लोग तो जो गाय भी अनाज भी पाए पर खुदा का घर मानो जो कि एना आगला वर्ष से एकदम बड़ो वर्षा के तो अने तो बड़ो अनाज खाती કે વેચ્યું પણ અને આ વર્ષે ચાલી રહ્યું છે અને પાછી વરસાદની સીઝન આવશે તો પાછું ખુદાની મહેરબાની થશે તો હર સેન્ટેન્સ જોવા ક્યાં ખુદા હે ખુદા કા શુકર ખુદા કા શુકર ખુદા કા શુકર સે પૂછતા હે તો એ દિમાગ કોણ પહોંચે તો કે વાઇફ છે ઘરવાળી છે બે છોકરી છે જવાન તે બે છોકરીમાંથી એક છોકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે એને બે દીકરીઓ તો રાખી છે વર્ષે હમણાં છ બાર મહિના થયા મારા જમાઈને બી મારી દીકરીને એના મા બાપ કહે છે ને જમાઈના મા બાપે કાઢી મૂક્યા છે ઘરમાં કેમ કાઢી મૂક્યા તો કે બીમાર બીમાર થઈ ગયો તો કાંઈ બીમાર નીકળી ગઈ છે તો કામ નહોતો કરી શકતો જેને કે તું નીકળી જા તું કાંઈ ગવાનું જે લોકો ક્યાં છે તો કે મારા ઘરમાં છે એને બે શાંત કર્યા છે આઈસાન માનું છું ગાના શુગર માનું છું કે ડોક્ટરોને બતાવ્યું ને ડોક્ટર કે છે એટલી ખરાબ બીમારી આ માણસને લઈ છે એ જેની ખાતરી નજર સારો થયા અને ડોક્ટરે કીધું કે આ બીમારીમાં માણસ આશ્ચર્ય રીતે વિચારવો પડે એટલો દુખાવો થાય છે પણ તમારા જમાઈને કાંઈ દુખાવો નથી થતો શેખ ખુદાના આભાર માનું છું ખાતરામાં પડ્યું છે સાંભળી શકે છે કારણ આંખો નથી આપતી એનાથી નસીબ ખુદાઓ લખ્યા છે हर चीज में वो नगर से वो बात कर रहे हैं उसके हाथ में आंसुआ वो बोलता है किसान को बोलता है कि भाई एक बात कर अगर जिंदगी में प्रॉब्लम में प्रॉब्लम से या सुख देखा तो क्या वो नजर रखे हो मैंने जल्दी पाती खुदा ना शुक्र जब मैंने बीमारी देखे रुका रही खुदा ना शुक्र छोकरी आनंदी देखे खुदा ना शुक्र भाई અને હાથમાં દસમી ચાર વાગે હું બેસી જાઉં છું મને જે શક્તિ મળે છે મને જે તાકાત મળે છે આ બધા ગુરુ હું ઉપાડું છું અને એક ઇચ્છી બધા શુગર માં આ દિવસો પણ મન થઈ જશે તમારી પાસે જે જાપ છે તમારી પાસે કોઈ નથી એક મેસેજ મેળવી તમને હાજર ઇમામ પરમાત્મા
स्वरूप स्मरण करो, पाठ और गायन करना। रात को 12 से लेकर 6 बजे का टाइम दोनों का टाइम, उस टाइम के जहाँ लोग दिया जाए और तस्वीर पर स्मरण कर और उसका रिजल्ट देखते हैं। दादा जो मैंने आपको दिया थे उनका पूरे रात्रि के बाद एक शायरी लिखने में आई, ये जान गड़बड़ा है पर इतना भी नहीं कि दिया न जाए। जिंदगी में दर्द है पर इतने भी नहीं कि जिया न जाए। जिंदगी एक ख्वाब है, जिंदगी एक ख्वाब है, जो मिल गया जो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। वास्ते जिंदगी जियो तो उस ढंग से जियो कि तुमको देख के लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आदर ईमान करवाते हैं कि यू नीड करेज, यू नीड सपोर्ट, यू नीड विजडम, यू नीड एनलाइटमेंट। आदर ईमान करवाते हैं और उसको आप भी मत समझो। हजरत ईमान के मुख मुबारक से जो नाम निकालते हैं लेकिन उसका तरीका है शक्ति दसवीं निकालो, अभी गुरुवार के बाद प्रयोग करो दसवीं निकालो। उसका आर है, मैं मंत्री के साथ कहता हूँ कि दसवीं निकालो या अली या मोहम्मद, उसके अंदर तुम्हारा ध्यान देना चाहिए। तो अली और मोहम्मद का नाम ले लो, सुबह चार दसवीं निकालते हैं या अल्लाह या अली या वहा, वो नाम के अंदर हमारा ख्याल है। हम दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर कितने नाम आते हैं, दुआ खत्म होती है तब तक वो एक एक झूले के अंदर हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और देखो कि तुम्हारे रूह के अंदर, हमारे रूह के अंदर पेशी और पेशी ताकत है। और थोड़ा नहीं फरमाया कि तुम्हारे अंदर वो ताकत आएगी कि तुम उसका सामना कर सको। मेरा मैसेज ये है जिंदगी अपने दिमाग में फरमाया कि प्रॉब्लम और समस्या से भरी और मेजोरिटी हमारे गुनाह में मैंने कहा कि एनलाइटमेंट आए का मिलेगा तुम्हारा कहना हूं। ये वक्त फरमान दिया था, आज भी फरमान देके रिवायत में पूरी करूँ। मौलाना हजरत इमाम शाह गरीब सरवर करा दे सरवर 1981 के अंदर दुनिया की टूर के ऊपर मैं गया था, अपने मन की बता दी थी। मुझे वो भाई मिले, मुझे कहती है मिशनरी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा 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 सब प्रॉब्लम। मुझे दिन कट गया, गणेश खुदा के लेवल पे पहुंच गया। बिजनेस क्या तो मॉडल्स थी, नेहरू में मॉडल मुंबसा में शुरू किया था। हर मैं चले के उधर जाने के बाद मैंने बिजनेस संभाल लिया। लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी दिखने में अच्छी गुड लुकिंग, निश्चय इतनी मैं कोशिश करूं उनकी शादियां कराने की, पता नहीं कुछ न कुछ तकलीफ आए और उसकी शादियां हो गई। मेरे को फिक्र होती गई, एज उनकी बढ़ती जा रही है तो इतनी बड़ी नहीं होगी दिमाग की। उन्होंने एक टाइम मौलाना हजरत इमाम को मैंने लेटर लिखा। जब एक जमाना था कि हजरत इमाम की मुलाकातें मिल रही, मुझे गुलदार का फोन है और अचानक गुलदार का क्या मेहमान ने तुमको बुरा खासा टाइम दिया। वो बहन कहती है मिशनरी जो टाइम पे मेरी मीटिंग थी मैं पहुंच गई वहां पर। हाजिर इमाम आए, मेरे मेहमान रखी मेहमान जो उनकी है मौलाना हाजिर इमाम पूछते क्या प्रॉब्लम है क्या बात है। उन्होंने रविवार के बुलाई ऐसा मेरा हस्बैंड मेरा करीब खुदा के रहमत से पहुंच गया, पैसे करके बहुत सुखी हूँ माना नहीं है लेकिन बड़ी खुशी थी बहुत ट्राई कर दी। मौलाना
first day. फिर हरि नाम फरमाते हैं सुनो मुरा फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बेटी तुमने अल्लाह की रहमत के दरवाजे अपने हाथ से बंद कर दिए गुरु तमारो दुश्मन थे અને અવર કે રંગ લઈને ઉસે ભી અલગ અલગ કલર લે કે બહાર આયેગા ઓર જ્ઞાન કો સા બોલતે હૈ દુખ મે સુખ દોએ હઝરત કે લિખ્યા સો દોષ કિસી કો નહીં કે હઝરત ક્યાને ખુદા ની હઝરત ક્યાને હમ ઉર્દુ મે બોલતે હૈ ક્યા અલ્લાહ કૈસે હૈ તો દુખ મે સુખ હઝરત કે લિખ્યા સો દોષ કિસી કો નહીં કે હાજરીમાન ફરમાતે હૈ કે તુમને અલ્લાહ કી રહેમત કે દરવાજે અપને હાથ સે બંધ हमें
अपेक्षा लोगों के लिए अच्छी दुआएं मांगो, किसी की शादी में जाओ तो उनके लिए अच्छा सोचो और नेक दुआएं मांगो। देखो हम फरमाते हैं रहमतों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और तुम्हारे हर एक काम में हम फरमाते हैं बरकत होगी और तुम्हारा हर काम आज से आपसे हो जाएगा। हमारी दुआ है और बहुत दुआ शिष्ट को फरमाते हैं। फिर आगे हम फरमाते देखो हम लोग सब मान करते उसने कहा उड़क उड़क इधर के उधर के मेरे मान करता लेकिन आज के बाद जमा खाने वाला प्रजा अपनी तस्वीर इबादत कर रही के नजर देता। मैं आपको 25 से 30 लाख दे सकता हूँ किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी का घर बुरा है, किसी के घर में झगड़ा लगा है, समाज के ऊपर फितना लगा है, जमान के कामों के अंदर लोड़े खड़े हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपनी खुदगर्जी के लिए तो बीच मोड़े जाते हैं और सुल्तान मूसा ने हजरत इमाम ने सब एक एक चीज का हमको खुलासा किया। या अलिया तुम्हारा नशा करी मानी मां तू जब जमान के दसों सुखने अने इबादत के पूरा कर आज एक टाइम में सुखने का सवाल खुलासा किया शायद नहीं किया हो या भूल गए हो कि दसों जो हम निकालते सारे बताए सुक्री सुक्री यानी अच्छे अखलाक अच्छे आमाल खाली दसों नहीं खाली आमाल खाली अपनी इबादत की पर इनके साथ हमारे आमाल जो अच्छे हैं अखलाक जो अच्छे हैं तुम्हारी गाड़ी चले और उसके से कौन तरीके सुकृत पढ़े सुकृत खीर खान ग्रत अमृत भोजन के अमृत के जैसे गोल बनो पानी के जैसे पाक साफ बनो खीर के जैसे सफेद बनो घी के जैसे नरम बनो ये पांच गुण तुम्हारे अंदर रहे ये सुकृत और इसको हम रिसीव करो और दसों के साथ सुकृत पढ़े जाए पांच खाना कोई जमाने के अंदर आठ आठ खाना एक रुपया एक लाख को लेकिन कम से कम जब मुझे को दसों देते हैं मुझे दसों का निशुल्क बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वीर सदर जी ने हमको ये जो चेहरी दसों सुप्रीम की बात हुआ वो भाई मुझे कहते हिस्ट्री मैं आई यहाँ पर और ये जो औरत बोले मेरे अंदर ये सब शेर था आते 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 निकट तस्वीर बंदी की मदद से सब शेर निकलता गया और मेरी तीनों छोटी की शादी आस्ते आस्ते उसने अच्छे करा दिया। बोले एक बात कभी थी उसने कहा तो उसकी छोटी से छोटे मेरे जीवन का ये बना खुदा क्यों इसको करती है। हाँ खुदा इम्तिहान दे मेरे जो सूर्य बकर की 155 156 157 की आया खुदा इम्तिहान लेकिन इम्तिहान के कभी ये सोचो कि मैं इम्तिहान के लायक हूं। अय्यूब नबी का दूसरा है मैं लोगों के बड़े सारे हैं मैं अय्यूब नबी के साथ हूं मैं मूसा नबी के साथ हूं मूसा के इम्तिहान मैं हीरा भाई के साथ हूं। तो अल्लाह फरमाते इतना अच्छा और हम तुम्हारी थोड़े दर से और भूख से और मार और जान से और फलों के नुकसान से यानी पैदाइश में इनकम में नुकसान करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे तुम्हारी पेश करेंगे थोड़ा से फिर दूसरे हालत में फरमाते हैं और ऐसी हालत में जो लोग सबर रखते हैं और जब कोई मुसीबत उनके ऊपर आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ हम वापस लौटने वाले हैं। ऐ रसूल उनको खुश खबर दे दो कि उन लोगों के ऊपर उनके रब के तरफ से जब तकलीफ आई जब मुश्किली आई तो उन्होंने सब्र अख्तियार किया अब अल्लाह उनके ऊपर रहमत नाज़िल करता है उनको बड़ी बख्शीश देता है और अल्लाह
भगवान श्री शाह है जो हमारे इम्तिहान के ऊपर उन्होंने सबूरी मान लिया है। मोड़ा फिर भी इंसान हूँ, काम छोटी मोटी गलती हो गई है, फिर 14 पर शामिल होती है खाता रखा है मुश्किल चौदह पर शामिल। लेकिन किस मोमेंट का या किसी इंसान जागता बिना किया तो हजरत इमाम जो आज कितने साल से ये तस्वीर के बारे में जरूर फरमाते चले मोला ने क्या फरमाया कि जब जिसम छोड़ने का टाइम आएगा नूर से भरपूर और ये दुनिया से आपने छोड़ी खसूसन भी मेरे बच्चे लोगों को फरमाता हूँ तो ज्ञान अपराध को छेद और सरकार
विचार के बाद आज भी आज तुम्हारे पहला आमाद अच्छे तुम्हारा बाजू बात और साथ अपनी सर्वे से तकबुरी और घमंड को विदा अपनी सर्वे से तकबुरी और घमंड को विदा किसी के ऊपर गजब और जुलम मत करना कभी बोलता है कि इसमें चेत साहबा ने फरमान पड़ा ना ऐसा पड़ा यूनि नहीं कहा मैं माफी मांगता हूँ जवान के पास जितने फरमान इंडिया ने हजरत के मामले यूनि के लिए किए जिधर यूनि साहब का हूँ मैं यहाँ पर इसके ऊपर बात समाज को नुकसान पहुंचाता है संस्था को नुकसान पहुंचाता है व्यक्ति को मोड़ा के है तुम्हारे दिमाग से तक हुई और ईगो हमें को उठा किसी के ऊपर सुलभ मन करो हमेशा रहम भी रखना तुम्हारे तत्वों को हराम के रास्ते पर पहुंचाए खुद का दिल पान और साथ किसी का असर बिना केवल